Hey dear friends, students and teachers, our next query is how to download, install and use Google Meet on laptop and your PC. आज हम ये लर्न करने वाले हैं Meet application आपके लैपटॉप के अंदर और PC के अंदर कैसे चलाना है, Google Meet को मोबाइल के अंदर कैसे चलाना है, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी लॉट्स ऑफ वीडियो और इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिए दिए हैं। फिर भी इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो बॉटम साइड उसकी लिंक भी अवेलेबल कर दी है। मीट एप्लीकेशन फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन है जो गूगल की खुद की प्रोडक्ट है। जब भी गूगल मीट का यूज करना चाहते हो तो कंपल्सरी आपको जीमेल अकाउंट होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट, गूगल मीट के रिव्यू, गूगल मीट के फीचर्स और गूगल मीट के सेटअप, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू यूज मीट एप्लीकेशन इन अवर लैपटॉप और पीसी। तो सबसे पहले जो रूल्स है, रूल्स नंबर वन, आपके लैपटॉप और पीसी के अंदर कंपल्सरी इंटरनेट होना चाहिए गुड स्पीड वाला, और साथ में आपके मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट होना चाहिए, इसके बाद ही लैपटॉप के अंदर गूगल मीट चला सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो गूगल की मीट है ओपन करने के लिए या वो लिंक आपके तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप वेब स्टार्ट करना पड़ेगा या कोई भी टेलीग्राम है, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट होना चाहिए। मोस्टली हम गूगल क्लासरूम भी यूज करते हैं और व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू ओपन व्हाट्सएप वेब इन योर लैपटॉप। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम के अंदर चले जाए, गूगल क्रोम के अंदर जो यहाँ पे लिख दीजिए google.com, जो ऑलरेडी यूज किया ही है। उसके बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप वेब के बारे में भी क्लैरिफाई करोगे। व्हाट्सएप वेब जैसे स्टार्ट करते हो आप, व्हाट्सएप वेब जैसे स्टार्ट करोगे ऑन द स्पॉट आपको एक यहाँ पे QR कोड का मैसेज इन्फॉर्म किया जाएगा। ये QR कोड को स्कैन करना है अपने मोबाइल के अंदर, इससे क्या आपको यूज होगा, आपका पूरा व्हाट्सएप का बैकअप आपके लैपटॉप के अंदर आ जाएगा। इसके लिए स्मॉल वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, वो भी आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार आपने QR कोड स्कैन कर लिया मोबाइल के अंदर, ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है वहां से वेब को सेट करो, इससे पूरे व्हाट्सएप वो आपके पीसी के अंदर भी ओपन हो जाएगा। तो एप्पल के अंदर भी सेम सेटअप है। अगेन यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये व्हाट्सएप का ये QR कोड आता है उसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद पूरा व्हाट्सएप आप पीसी के अंदर ओपन कर पाओगे। जैसे ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस आपका यहाँ पे व्हाट्सएप पूरा पीसी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। आपने जहां भी लिंक भेजा हुआ है उसका नाम लिख दीजिए, जैसे मेरे यहाँ पे फ्रेंड या टीचर्स ने ये मीट की लिंक ऑलरेडी सेंड कर दी है जिससे मैं उसके साथ ज्वाइंट हो सकता हूं। जैसे मीट की लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये मीट लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, उसके आगे https://meetgoogle.com कंपलसरी लिखा होगा। कोई भी लिंक पे ऐसे नहीं क्लिक करने का जहां जो इससे आप अवेयर नहीं हो। तो ये गूगल की लिंक है, इसके आगे गूगल मीट लिखा है। इसके बाद एक बार क्लिक करने के बाद ऑन द स्पॉट नेक्स्ट स्टेप के अंदर मीट स्टार्ट होने की प्रोसेस हो जाएगी और जो एड्रेस बार में वो लिंक स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मीट स्टार्ट होने की प्रोसेस हो रही है। जैसे मीट स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे दो तीन डिटेल पूछी जाती है, व्हाट्स योर नेम, आपको अपना यहाँ पे नेम भी एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के टाइम आपको यहाँ पे अपना मोबाइल का जो डिवाइस है उसको ज्वाइन करने के साथ अपना माइक्रोफोन, अपना वेबकैम के ड्राइवर का भी यहाँ पे परमिशन पूछा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ। मीट स्टार्ट करने से पहले कंपलसरी आपके बैकग्राउंड में जीमेल आईडी होना चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे जीमेल आईडी में एंटर कर रहा हूँ, उसका पासवर्ड भी राइट एंटर कर रहे हैं। जैसे राइट पासवर्ड एंट्री करने के बाद ही आपका मीट एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर। तो बी केयरफुल, मीट स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी आपको अपना जीमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे आप एक बार जीमेल आईडी आप यूज कर लेते हो ऑन द स्पॉट आपके लैपटॉप का कैमरा
और आपके लैपटॉप के माइक्रोफोन ऑन हो जाएगी, जिसे मैं एक बार उसको ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि दोनों यहाँ पे यूज होगा, और बॉटम से आप देखोगे तो रेडी टू ज्वाइन और कैमरा भी स्टार्ट हो चुका है। ये जिसने वो लिंक आपको सेंड की है, मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ कि वो मुझको ज्वाइन करें। जैसे मैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करूंगा, ऑन द स्पॉट मैं मीट के साथ, मीन्स जो भी पर्सन के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ उसके साथ मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। ओके, आप जाओगे तो माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हो, ओके, वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हो जिससे आपका फेस भी सामने वाले पर्सन को दिखेगा। आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे चेक करोगे तो जितने भी पर्सन है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा फेस भी आपको दिखाई दे रहा है, मीन्स मेरा अभी वेबकैम स्टार्ट है, बट यहाँ पे मेरे माइक्रोफोन मैंने म्यूट किया हुआ है। जैसे ही सामने वाले पर्सन अपना कैमरा ऑन करेगा तो उसका भी फेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसे आप दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ। तो आई होप सो आपको ये थोड़ा सा मीट के बारे में भी समझ में आए, और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो बॉटम साइड मैंने लिंक दे दी है, उसके बारे में भी आपको क्लैरिफाई हो सकता है। इसके बाद प्रेजेंट स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सीसी का ऑप्शन भी अवेलेबल, लेआउट भी चेंज कर सकते हो आप, ओके, और यहाँ पे चैट करने के लिए भी मैसेज अवेलेबल है। मैं यहाँ पे जो भी पर्सन के साथ चैट करना चाहता हूँ, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ, तो ये भी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स इसका मीनिंग ऐसा हुआ, मेरा जो व्हाट्सएप है वो मैं सेलफोन में भी ऑन कर सकता हूँ, सेम व्हाट्सएप मैं पीसी के अंदर भी स्टार्ट कर सकता हूँ, साथ में गूगल की जो प्रोडक्ट है गूगल मीट, ओके, उसको मेरे मोबाइल के अंदर एज वेल एज पीसी के अंदर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है, स्टूडेंट को या कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी स्क्रीन के अंदर आप कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो तो इजी रहता है आपके लिए। ओके, अगेन मैं यहाँ से एग्जिट होने के लिए, मीटिंग को एंड करने के लिए मैं लीव बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ये व्हाट्सएप हमने किसके लिए स्टार्ट किया है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करने के, एक बार आपने बैकग्राउंड के अंदर ईमेल आईडी लॉगिन कर दिया है तो सेकंड टाइम आपको ज्वाइन करने के लिए ईमेल आईडी एंटर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली हम ज्वाइन हो जाएंगे। आप राइट हैंड साइड टॉप पे देखोगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी टाइप हो चुका है, और डायरेक्टली आप गूगल मीट की लिंक के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तो आई होप सो आपको सब समझ में आ चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझको मेरे कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो। ओके, हम ज्वाइन करके अगेन एक बार चेक कर सकते हैं, विदाउट जीमेल आईडी एंटर किए बिना मैं डायरेक्टली लॉगिन हो चुका हूं। तो ये हुआ हमारा मेन आज का जो क्वेरी थी उसका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।